लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और सुनाइए बाड़ी सब कैसे चल रहा है? लीजिए सर। आप भी घर के लिए आए हो? क्या काम आन पड़ा धनराज से? मैं एक रिक्वेस्ट लेके आया हूँ सर। बोल क्या रिक्वेस्ट है? साहब आपकी बाड़ी में एक लड़की रहती है, अगर आप उसे छोड़ देंगे तो आपका बड़ा एहसान होगा। क्या तेरी खोई हुई बहन लगती है क्या? वो मेरी कोई नहीं है, मगर आपकी भी कोई नहीं है, वो आपके कब्जे में है, उसे प्लीज छोड़ दीजिए साहब। क्या प्यार व्यार हो गया उससे? बस ऐसे ही समझ लीजिए साहब। तुम साला स्कूल का लौंडा लोग बिल्कुल अनाड़ी होता है, जहां पहली छोकरी देखी उधर ही जान देने को तैयार हो जाता है। ये प्यार व्यार क्या चीज होती है? इज्जतदार लोगों ने अपनी हवस का, शरीर की प्यास का नाम रख दिया है प्यार। छोड़ दे ये सब फालतू गिरिया, छोड़ दे। अरे शक्ल से तो किसी शरीफ घर का लगता है, बाप से बोलकर किसी शरीफ घर में शादी कर ले, कहा ये धंधे वाली को अपने घर पर लेकर जाएगा? अपन को चूना लगाएगा क्या? देख भेड़ो, अपन धंधे के अंदर कोई रियायत नहीं करता है, अपन की बाड़ी के अंदर जो छोकरी आ गई वो साली उधर से जा नहीं सकती क्या? साहब मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ साहब, आप काजल को प्लीज छोड़ दीजिए साहब। अरे अपन का भेजा खराब मत कर रहे भेड़ो, तेरे लिए अच्छा नहीं होगा, चल जा यहाँ से। साहब आप जो कुछ भी बोले मैं करने को तैयार हूँ साहब, आपको पैसे चाहिए मैं आपको पैसे कमा के दूंगा, मगर आप प्लीज काजल को छोड़ दीजिए। क्या पैसे कमा के देगा? अपन को चल फोड़ यहाँ से, इंस्टॉलमेंट में टीवी लेने आया क्या? साहब प्लीज सब ऐसा मत करो साहब, साहब मैं साहब मुझे मायूस मत करो साहब। फोड़ यहाँ से, चल फोड़ यहाँ से, चला छोटे ले जाओ इस मजनू की औलाद को और फेंक दो किसी गंदे गटर में। राज गटर में मैं नहीं, तू जाएगा। धनराज इतना मारो साले को, इतना मारो कि आइंदा बाड़ी तक पहुंच ना सके। ले जाओ साले को यहाँ से। काजल के बगैर नहीं जाऊंगा धनराज, धनराज उसे छोड़ दे धनराज। सच्चा आशिक लगता है तेरे जैसा नहीं, ले जाओ यहाँ से, मारो साले को, तू चल यहाँ से, चल नहीं जाऊंगा। देख तो कौन है? ये तो अपना मेजर है। लगता है ये मर जाएगा। इसे हॉस्पिटल ले चलो जल्दी यार। चलो चलो जल्दी चलो यार। साजन, साजन। मैं मरने वाला नहीं हूँ। मैं मरने वाला नहीं हूँ। काजल। मैं देखती हूँ। ओए लीला भाई। आइए आइए आइए, आज तो बाड़ी की किस्मत ही चमक गई। बोलो क्या हुक्म है बलबीर सेठ? हम लैला को देखने आए हैं। हाँ हाँ हाँ, आप लैला की तलाश में आए हैं? अरे जनाब आप थोड़ी देर बैठिए, अपना गला तो गीला कीजिए, मैं आपके लिए लैला, शिरी, हीर इन सबको तैयार कर दूंगी। अरे यार लबो,
आया नीला भाई। एक एक करके इन सब लड़की लोग को बाहर निकाल। अरे इतना बड़ा सेठ आया क्या कर रहा है? उन सबको छोड़, वो किधर है? वो कौन? जिसके लिए साला वो छोकरा पागल हो गया था। कौन सा छोकरा? अरे वही जो भाई जी के पास आया था। बोल रहा था साहब साहब मेरी छोकरी आपकी बाड़ी में है, उसे छोड़ दो। अरे हट। कहाँ है वो छोकरा? अरे मर गया होगा साला। सेठ बोलो कि तुम झूठ बोल रहे हो। बोलो सेठ बोलो कि तुम झूठ बोल रहे हो। सेठ बोलो ना, बोलो कि साजन ठीक है, बोलो कि धनराज ने हमें आजाद कर दिया। सेठ बोलो ना, सेठ बोलो, बोलो बोलो बोलो। तो ये लाला है, है? अच्छी है। ओए चमचो उठा लो इस लाला को। तू इसे नहीं ले जा सकता, तू इसे नहीं ले जा सकता, तू इसे नहीं ले जा सकता। जा अपना काम कर। चल चल इसको बिठा उस गाड़ी में। बल्बी ये तेरे लायक नहीं है, जाने दे इसे। जो तेरी बेटी लगती है क्या? हाँ मेरी बेटी लगती है। अरे बेटी की बच्ची जाके अपनी दुकान संभाल जा। फुट मैं उठाता हूँ। अरे चल जग्गो, सच बोल दे जग्गो, सच बोल दे। देख भाई
मुझे सच बहुत पसंद है। सच बोलता है भाई जी, अपू ने कोई पैसा नहीं लिया, छोकरी को नहीं भगाया भाई जी। माना कि तू बहुत शरीफ जान है, तूने पैसा भी नहीं लिया और तेरी बहन ने छोटे की गाड़ी का टायर भी पंचर नहीं किया, पर छोकरी भागी की नहीं भागी? भागी। किसकी बाड़ी से भागी? आपकी। बाजार में बात फैली कि नहीं फैली? फैली। क्या बात फैली? यही ना कि धनराज की बाड़ी से धनराज की छोकरी धनराज के आदमियों के सामने भाग गई। अब बता, अपनी बदनामी हुई कि नहीं हुई, और अपनी बाड़ी का जिम्मेदार कौन है? कौन है? अरे तू है ना? हाँ भाई जी। हाँ, यानी के अपनी बदनामी का जिम्मेदार भी तू है भाई जी। अपुन को सजा दे दो, अपुन की बहन की सजा अपुन को ही दे दो भाई जी। सजा तो जरूर देगा, वरना साली आज एक भागी है कल दूसरी भाग जाएगी, अपना तो धंधा ही चौपट हो जाएगा, सारी बाड़ी खाली हो जाएगी। लेकिन क्या है कि ये साला अपुन का बहुत पुराना आदमी है, इतना छोटा सा था जब मैंने इसे सड़क के गटर से उठाया। ये तो इसके सामने बहन खड़ी है ना, बहन छोटी सी थी उस वक्त, इसकी गोद में थी, बहुत पुराना आदमी है, अपना बच्चा है बच्चा। साला और कोई दूसरा होता तो उसे वो अपनी नई फैक्ट्री, वो बर्फ बनाने वाली फैक्ट्री, उसके फ्रीजर में डाल देता, साला बर्फ का गोला बनकर बाहर निकलता। लेकिन इसके लिए जो सजा सोची है वो भी कमाल की सजा है। उस छोकरी की जगह इसकी बहन को धंधे पे बिठा देते हैं। नहीं 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 भाई जी, सुष्मी अपुन की बहन है भाई जी, अपुन की बहन है। अबे आज तुझे अपनी बहन याद आने लग गई? भूल गया वो दिन जब दूसरों की बहनों को धंधे में बिठाया करता था? अरे छोड़ 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 छोड़, अब उनके धंधे के अंदर रिश्ता नहीं, फायदा सोचा जाता है क्या? भाई जी अब उनको एक चांस दे दो, उन दोनों को कहीं से भी ढूंढ निकालेगा। अरे वो तो मिल ही जाएंगे, बचकर जाएंगे कहाँ? आप उनने बोल दिया है अपने उस इंस्पेक्टर डिसूजा को, इंक्वायरी चल रही है, तू अपनी बात कर, बोल आया ना। भाई जी, 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 भाई जी,